Hey everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here I am with one short sociology concept. जो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने वाले हैं सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग, तो ये कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा कंसेप्ट है, इसको हम किस ट्रिक के साथ याद करेंगे. तो अगस्त कॉम्टे, हु इज नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, जिनको सोशियोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, उन्होंने एक छोटा सा कंसेप्ट दिया, दैट इज हायरार्की ऑफ साइंस. उन्होंने कुछ सब्जेक्ट को ऑन सम बेसिस, अगर बेसिस देखा जाए कि उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करा है कि कब उनका इवोल्यूशन हुआ, कितने वो जनरलाइज हैं, कैसे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, तो उस बेसिस पे उन्होंने इन सब्जेक्ट का एक पैटर्न सेट किया कि ये सब्जेक्ट पहले, ये सबसे पहले आया था, ये सब्जेक्ट हर जगह देखने को मिलता है, उस बेसिस पे इन्होंने इसको अरेंज करा है. राइट, तो यहाँ पे ये क्या सीक्वेंस है, द सीक्वेंस इज एम ए पी सी बी एस. अब आप इसे कैसे याद करोगे, एम ए पी सी बी एस मतलब एम ए करी पी सी ने, एमए करी प्रियंका चोपड़ा ने बायोलॉजिकल साइंस में, एमए करी प्रियंका चोपड़ा ने बायोलॉजिकल साइंस में. एम स्टैंड फॉर मैथ्स, ए स्टैंड फॉर एस्ट्रोनॉमी, पी स्टैंड फॉर फिजिक्स, सी स्टैंड फॉर केमिस्ट्री, बी स्टैंड फॉर बायोलॉजी, एंड देन एट लास्ट वी हैव सोशियोलॉजी. तो अगर आपसे पूछा जाए इनकी हायरार्की में सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आता है, देन मैथ्स, सबसे लास्ट कौन सा सब्जेक्ट आता है, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी से जस्ट पहले कौन सा सब्जेक्ट आता है, देन बायोलॉजी. तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो इसका कोई भी क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आएगा तो आप लोग सही कर पाएंगे. सो आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट, छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. इसी तरीके से हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जो आपके मल्टीपल एग्जाम में सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग आपकी हेल्प करेगी. तो याद रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा ने एमए करी है किससे, बायोलॉजिकल साइंस से. एम ए पी सी बी एस मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. Thank you, everyone.